मथुरा के कोसीकला नगर पालिका प्रशासन द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया था। इस दौरान सभी नगर पालिका कर्मचारियों के साथ अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, अधिकारी पूर्णिमा ने भी माल्यार्पण कर गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। इसके बाद पालिका के सभी अधिकारी और कर्मचारी नगर के सभी वार्डों के सभासदों के घर पहुंचे और घरों में रखी सभी प्लास्टिक की पॉलिथीन बोतल आदि को बाहर निकालकर कूड़ेदान में फेंकने को कहा, जिसमें सभासदों ने भी प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत का संकल्प लेते हुए अपने अपने वार्डों में लोगों को प्लास्टिक यूज न करने की सलाह दी। आज 2 अक्टूबर की उपलक्ष्य में समस्त पूरे शहर से प्लास्टिक मुक्त करना है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि समस्त मेंबर्स जो शहर के मेंबर्स हैं वार्ड के, उनसे पॉलीथीन कलेक्ट किया जाए और जो मेंबर सबसे ज़्यादा पॉलीथीन कलेक्शन करके देंगे उनको नगर पालिका द्वारा सम्मानित किया जाएगा और जो नगर पालिका सबसे ज़्यादा पॉलीथीन कलेक्शन करेगी उस नगर पालिका को सम्मानित जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जाएगा। तो ऐसा निर्देश उसका अनुपालन कर रहे हैं। हम लोग शहर से पूरी पॉलीथीन मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं। जागरूकता के लिए आप क्या क्या मतलब मुहिम चला रहे हैं? जागरूकता के लिए सब जगह जगह उन्होंने पोस्टर्स लगाए हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, रैलियाँ निकाली गई हैं, विद्यालयों में निबंध वगैरह की प्रतियोगिता की गई है, जिस तरह से उनका अवेयरनेस भेजा और वो काफ़ी हद तक सफल। देखिए आज वैसे तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी का दिन भी है, 2 अक्टूबर और खुशी का दिन भी है कि हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने जो जन्म लिया और जो उन्होंने काम किए, पूरे विश्व में झंडा लहराया, उनका सपना था कि देश को स्वच्छ बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। आज उसी के उसमें शासनादेश के अनुसार हम ईओ साहब और सभी नगर पालिका कर्मचारी और हमारे मेंबर सब लगे हुए हैं। आज पॉलीथीन मुक्त का पर अपने शहर को बनाने के लिए हम जो हमारे वार्डों के सम्मानित मेंबर हैं उनके घरों पे खुद जा रहे हैं। पहले तो मेंबर साहब ने अपने घर से निकाला, फिर आजू बाजू घरों से पॉलीथीन लेकर के, जिस तरह आज डॉक्टर केपी सिंह जी ने अपने यहाँ पर पॉलीथीन का एक हमें बॉक्स भेंट किया, जितनी पॉलीथीन थी वो सबसे इकट्ठी की है, बड़ी सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपने नगरवासियों को कि भाई पॉलीथीन एक जहर है, पॉलीथीन गलती नहीं है, पॉलीथीन को मुक्त अपने हमें शहर को बनाना है।